हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि खनिज लवणों के मुख्य मुख्य खनिज लवणों के क्या कार्य हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही चीज बताऊंगी। एक भी इसमें शब्द ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम्स में न पूछे गए हों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत पोषण वाले वीडियो में पार्ट में मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में बता चुकी हूँ। एंड खनिज लवण क्या है और कितने भागों में बांटा गया है एंड कितने तत्व, 21 तत्वों के बारे में पूरा मैं फर्स्ट वीडियो में खनिज लवण के बता चुकी हूँ। इस वीडियो में विभिन्न खनिज लवणों का कार्य क्या है उसके बारे में शॉर्ट में बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत लंबा किताब न पढ़ना पड़े। एक ही वीडियो में सभी मुख्य खनिज लवणों के बारे में, उसके कार्य के बारे में आप जान जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे MCQs है, उसका प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं विभिन्न खनिज लवणों का क्या कार्य है। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम की। दोस्तों, कैल्शियम जो है रक्त स्कंदन यानी कि रक्त को थक्का बनाने में, जमाने में सहायक होता है और यह हमारे हड्डियों और दांतों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करता है, प्रोथ्रोम्बिन करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स करता है एंड कैल्शियम ही रक्त स्कंदन में सहायता करता है। एंड दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों और हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज लवण कौन है, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों व हड्डियों की सुरक्षा और उसके कठोरता बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम। यह क्या करता है दोस्तों, यह तंत्रिका सूत्रों को लाने और ले जाने का कार्य करता है, यानी कि जो भी तंत्रिका हमारे संदेश हैं हमारे अंगों से उसको मस्तिष्क तक ले जाने की काम करता है और मस्तिष्क से संदेशों को हमारे अंगों तक लाने का कार्य पोटेशियम करता है। इस प्रकार पेशी संकुचन का कार्य पोटेशियम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सोडियम। दोस्तों, सोडियम जो है रक्त दाब व तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। जैसे दोस्तों आपके भोजन में सोडियम यानी नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो रक्तदाब बढ़ जाता है, ठीक है। ये अम्ल और क्षार संतुलन को बनाए रखता है, इसके अधिकता से बीपी हाई हो जाती है। नेक्स्ट है लोहा यानी कि आयरन। जैसा कि दोस्तों लोहा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इससे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, खासकर महिलाओं के लिए और भी ज्यादा। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है और पेशी निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, पेशी निर्माण में सहायक होता है एंड गर्भवती के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आयोडीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, प्रतिदिन पुरुषों के लिए 150 ml एंड गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली के लिए 250 ml आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है दोस्तों प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है, तो सल्फर। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है दोस्तों, अम्ल क्षार संतुलन बना के रखता है, ब्रिक को यानी कि किडनी में पथरी बनने से रोकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है दोस्तों, शरीर में क्लोराइड के रूप में जमा रहता है, ठीक है। क्लोरीन जो होता है शरीर में क्लोराइड के रूप में होता है और यह जल संतुलन बना के रखता है और जठर रस का आवश्यक तत्व है, जो हमारे अमाशय में जठर रस पाया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है क्रोमियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है क्रोमियम। यह इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है दोस्तों। क्रोमियम को ध्यान में रखिएगा, क्रोमियम क्या करता है, इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। जैसा कि दोस्तों B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, उसी को कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट क्या करता है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जिंक। जिंक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिंक। ये हमारे एंजाइम जो होते हैं, एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है, ठीक है। जिंक क्या करता है, एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है,
ध्यान में रखिएगा, इंसुलिन के निर्माण में सहायक क्रोमियम, एंजाइमों के कार्यों में सहायक जिंक। नेक्स्ट है मैग्नीज, ठीक है, क्या है मैग्नीज दोस्तों? मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत चाय है। क्या है? चाय है। ये हमारे दिमाग को शांत करता है, थकान को दूर करता है। नेक्स्ट है मालिब्डिनम। मालिब्डिनम क्या होता है दोस्तों? यह सह एंजाइम यानी को एंजाइम का काम करता है, एंजाइम को तत्पर करता है। जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, उसको तत्पर करता है और अनुवांशिक तत्वों के निर्माण में सहायक होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक तत्वों के निर्माण में सहायक कौन होता है? मालिब्डिनम। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरीन। जैसा कि आप सबको पता है, यह दांत में पाए जाते हैं, यह हमारे दांत के इनेमल का निर्माण करने में सहायक होता है दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है सेलिनियम। सेलिनियम क्या करता है? यह विटामिन सी के उत्पादन में सहायक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, सेलिनियम क्या करता है? विटामिन सी के उत्पादन में सहायक होता है, थायराइड के विकास में सहायक होता है, रोग निरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी क्षमता को प्रदान करता है, कोशिका ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट खनिज लवण जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे जितना मैं बताई हूँ इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता, बस इतना आप रख लीजिए, इससे बाहर इसके बारे में नहीं पूछ सकता है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताई हूँ उसी को आप लिख लीजिए और उसी को रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा खनिज लवण के विभिन्न कार्य क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण के बारे में बता चुकी। एंड दोस्तों अब मैं डिजीज यानी कि रोगों के बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद MCQs जितना भी इससे रिलेटेड है उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए एंड डिटेल में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।